कराची की फूड स्ट्रीट्स पर सहरी और अफ्तार के लिए हर चीज मिलती है, मगर यहाँ के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पर काम करने वालों को क्या मिलता है। जबर न्यूज आज आपको यही दिखाने हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट लेकर आया है। यूं तो यहाँ कई रेस्टोरेंट्स बहुत शोहरत के हामिल हैं और कराची भर से लोग यहाँ वीकेंड पर खाना खाने आते हैं। जायकेदार फूड्स की भी यहाँ दुकान है। यहाँ की हलीम ही नहीं बिरयानी भी बहुत मशहूर हो गई है। जायकेदार की बिरयानी भी अब चंद अच्छी बिरयानियों में से एक समझी जाती है। हुसैनाबाद के चंद अच्छे रेस्टोरेंट्स में से एक गौसिया है। यहाँ पर हर वक्त कोई न कोई ग्राहक मौजूद होता है। ये रेस्टोरेंट कई अशरों से कायम है। तैयबी रेस्टोरेंट्स भी कुछ ऐसा ही है जहां मजे मजे के खाने बनाए जाते हैं। बोलान की सब्जी और कटाकट बहुत मशहूर है। किसी थर्ड क्लास कंपनी का घी या तेल इस्तेमाल करने के बजाय ये खाने मक्खन से बनाए जाते हैं। अफ्तार के लिए दही बड़े और दीगर सामान भी यहाँ खूब मिलता है। कहीं दही बड़े खरीदे जा रहे हैं और कहीं चाट बनाई जा रही है। लोगों की कोशिश होती है कि रोजा रखा है तो फिर डटकर सहरी और अफ्तार किया जाए, खाने में कोई चीज रह ना जाए। यहाँ कई दुकानों पर उम्दा ब्रोस्ट भी मिलता है। ये फूड स्ट्रीट बंस रोड के मुकाबले में निस्बतन सस्ती और बड़ी तसव्वुर की जाती है। यहाँ चूंकि रेस्टोरेंट्स भी ज्यादा हैं, इसलिए मुख्तलिफ इकसाम के खाने भी यहाँ मिल जाते हैं और कीमत कम होने की वजह से ब्रोस्ट हो या कुछ और फूड लोग इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन फूड स्ट्रीट्स पर खाना बनाने वाले क्या खुद भी ये मजे मजे के खाने खाते हैं? आइए हम आपको इन मुलाजिमीन का अफ्तार दिखाते हैं। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ये मुलाजिम पकौड़ों और शरबत से अफ्तार करके ही खुदा का शुक्र अदा कर लेते हैं। दूसरों के लिए ब्रोस्ट की प्लेटें तैयार करने वालों को एक आध टुकड़ा भी मिल जाए तो गनीमत जानिए। रोजा हमें बर्दाश्त और दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाने के लिए रखवाया गया था, मगर हमने उसे भी अपने ही फायदे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर डाला। साथी रिपोर्टर मोहसिन रजा के साथ रुबीना जफर, जबर न्यूज, हुसैनाबाद, फूड स्ट्रीट, कराची।